अगर पति की 5 मिस कॉल होती है तो पत्नी सोचती है क्या हुआ होगा, लेकिन अगर पत्नी की 5 मिस कॉल हो तो पति सोचता है अब मेरा क्या होगा। शादी क्या है? बिजली के 2 तार, सही जुड़े तो प्रकाश ही प्रकाश, और अगर गलत जुड़े तो धमाके ही धमाके। कड़वा सच, दुनिया की सारी नोटों पर तस्वीर मर्दों की है पर कब्जा औरतों का है। दादी ने अपनी नतनी से कहा बेटा खाना बनाना सीख ले, खाना बनाना आना चाहिए। तो नतनी ने कहा क्यों दादी? तो दादी ने कहा कभी कभी अगर तेरा पति घर से बाहर चला जाएगा तो क्या भूखे पेट सोएगी? खुद बनाना पड़ेगा ना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पैसे से कभी खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, तो ये बताओ प्यार से कौन सा BMW मिल सकती है? शराब की बोतल पे चाहे जितना भी बड़ा खतरा लिख लो, लेकिन यहाँ सब पिएंगे जरूर, क्योंकि हमारे भारत देश में सब खतरों के खिलाड़ी हैं। अब तो घर वाले भी सुबह जल्दी नहीं उठाते, वो भी जानते हैं अगर बिस्तर से उठ गई तो मोबाइल में घुस जाएगी। मैं तो फोन को उस दिन स्मार्ट मानूंगी जब मैं बोलूंगी फोन कहाँ हो बे, और वो बोलेगा मालिक मैं तकिए के नीचे हूँ, आपका सॉन्ग डाउनलोड कर रहा हूँ। वैलेंटाइन पे दोस्त तो गर्लफ्रेंड नहीं हो तो उदास क्यों होते हो? कौन सा गांधी जयंती पे गांधी जी होते हैं? इंसान भगवान से बोलता है भगवान ये लड़कियां इतनी प्यारी होती हैं तो ये बीवी इतनी भयानक क्यों होती हैं? तो भगवान बोलते हैं क्योंकि लड़कियां मैं बनाता हूँ और बीवियां तुम लोग बनाते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम ही झेलो। पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था तो पति ने बोला मैं डरता नहीं हूं तुमसे, तो पत्नी ने कहा कि तुम डरते हो क्योंकि जब तुम मुझे देखने आए थे तो 4-5 लोगों के साथ आए थे और जब मुझे लेने आए तो 200 लोगों के साथ आए थे, मुझे देखो मैं अकेली चली आई। सभी महिलाओं को 14 फरवरी तक चेतावनी दी जाती है कि अपने अपने पतियों पर कड़ी से कड़ी नजर रखें, क्योंकि नजर हटी तो सौतन पटी। जिस भी लड़के या लड़कियों को अपनी शक्ल पे बहुत घमंड है वो एक बार अपना आधार कार्ड जरूर देख लें। गलती करके माफी मांगने वाले को समझदार कहते हैं, लेकिन बिना गलती करके सारा दिन माफी मांगने वाले को बॉयफ्रेंड कहते हैं। वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो इश्क ही क्या जिसमें बवाल ना हो। पहले ब्रेकअप हुआ करता था तो लोग दारू पिया करते थे, लेकिन अब लोग स्टेटस अपडेट करते हैं इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना गाइस? शादी के दूसरे दिन ही आदमी उस पार्लर में गया जहां उसकी बीवी का मेकअप हुआ था, और पार्लर वाली मैडम को उसने iPhone X गिफ्ट किया। तो मैडम भी बहुत खुश होकर उस डब्बे को खोला और उसमें नोकिया 1110 निकला और एक चिट्ठी भी निकली थी, सेम फीलिंग। जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, लेकिन जिसने सोच समझ के की उसने कौन सा तीर मार लिया। आने वाली जनरेशन में लोग एक दूसरे को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इनसे मिलिए ये मेरी टिकटॉक वाली बुआ है, इनसे मिलिए ये मेरे इंस्टाग्राम वाले ताऊ जी हैं, इनसे मिलिए ये मेरी स्नैपचैट वाली दादी जी हैं, इनसे मिलिए ये मेरे पबजी वाले दादा जी हैं, है ना दोस्तों?